जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के समनू गांव में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए 5 आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फोर्स के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी चल रहा है। दरअसल सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि कुलगाम जिले के समनू गांव में कुछ आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल और CRPF की संयुक्त टीम ने बीते गुरुवार को आतंकियों की मौजूदगी वाले गांव की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। उसके बाद आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी थी। इसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और यह एनकाउंटर करीब 19 घंटे चला। सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग के बाद रुक रुक कर गोलाबारी हुई। फायरिंग के बाद सुरक्षा बल ने इलाके में घर घर की तलाशी करना शुरू किया। आतंकी भागने ना पाए, इसलिए गांव के सभी एंट्री और एग्जिट के रास्ते भी सील कर दिए गए। शुक्रवार को दूसरे दिन सुबह फिर गोलाबारी शुरू हुई। अधिकारियों ने बताया कि कुलगाम के नेहामा इलाके के समनो गाल में रात भर की शांति के बाद शुक्रवार तड़के गोलीबारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि जिस जगह आतंकियों की मौजूदगी दर्ज की गई, उस जगह सुरक्षा बलों ने चारों ओर से घेर लिया था। वहीं बीते बुधवार को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 2 अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया है। उन्होंने बताया था कि सतर्क जवानों ने LOC के पास कुछ हलचल देखी और सुरक्षा बलों द्वारा घुसपैठियों को चुनौती देने पर दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। बता दें कि सुरक्षा बलों ने 26 अक्टूबर को कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर की मेन नियंत्रण रेखा पर 5 आतंकवादियों को मार गिराया था और 22 अक्टूबर को बारामूला जिले के उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। सुरक्षा बलों ने जून में कुल 11 घुसपैठियों को मार गिराया था।